हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीबी एजुकेशन। 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट को साइन करने को लेकर या उसको फाइनल स्टेज पर आने को लेकर दो लेटर जो आपको 5 नवंबर को जारी किए गए हैं, एक है उसमें 5 नवंबर को जो सर्कुलर जारी किया गया है आईबी के द्वारा, दूसरा 5 नवंबर 2020 को ऑफिसर एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है आईबीए को। उन दोनों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे 5 नवंबर 2020 को आईबीए ने एक सर्कुलर जारी किया था 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट को फाइनल करने के लिए। आईबीए ऑफिसर एसोसिएशन और वर्कमैन यूनियन की मीटिंग आईबीए कमेटी रूम में 11:30 AM को 9 नवंबर 2020 को होनी है, इसमें ऐसा लिखा हुआ था। इस मीटिंग में 4 वर्कमैन यूनियन होंगे और 4 ही आपके ऑफिसर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इसमें जॉइंट नोट और 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट को साइन कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ था। और 11th बायपार्टाइट आपका जो है वो फाइनल हो जाएगा 9 नवंबर को। तो ये आपका आईबी ने ऐसा एक सर्कुलर जारी किया है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो उसके बाद में फिर ऑफिसर एसोसिएशन ने आईबीए को पत्र लिखा है और कहा है कि जो 9 नवंबर को होने वाली मीटिंग है उसमें हम उपस्थित नहीं होंगे। और इस लेटर, ये जो लेटर है इसमें 3 बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। उन्होंने इसमें क्या लिखा है, 5 नवंबर 2020 को आईबीए द्वारा जो UFVU को जो लेटर लिखा हुआ है जैसा कि आपने पीछे देखा है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा, जो आपका 17 अक्टूबर 2020 को मीटिंग टूट गई थी या ड्रेल हो गई थी उसके बारे में यहाँ पर है। तीसरा, जो इन्होंने लिखा है कि आर जॉइंट लेटर 3/11/2020 को ऑफिसर एसोसिएशन ने आईबीए को जो लेटर लिखा था उनके बारे में है। तो इन बातों को बताते हुए अपनी मांगें, अपने जो इशू हैं, अपने जो हक हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कराते हुए इन्होंने आईबीए को लिखा है। इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें जो ऑफिसर्स की वेज रिविजन के बारे में बात की गई है। इसमें आईबीए ने पहले ये सुनिश्चित किया था कि ऑफिसर्स के जो वेज रिवीजन के लिए डे टू डे बेसिस पर किया जाएगा, जबकि इस इशू को रिजोल्व किए बिना 17 अक्टूबर को बिना कोग्नेंट यानी कि ठोस वजह से ऑफिसर एसोसिएशन की मांग और इशू को क्लियर किए बिना उसको रद्द कर दिया था और 8th ज्वाइंट नोट जो साइन होना था उसको भी डिफर कर दिया था। दूसरा, 24 अक्टूबर 2020 को 5 डेज वर्किंग पेंशन अपडेशन लेवी रूल चेंज ये भी अभी रिजोल्व नहीं हुआ है। आगे है इसमें 15 अक्टूबर 2020 को नॉन फाइनेंशियल इशू वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। और 3/11/2020 को जो डिस्कशन हुआ था तो उससे ये संतुष्ट नहीं है। तो इन सभी बातों को, इशू को देखते हुए इन्होंने ये जो मीटिंग है उन्होंने इसको अटेंड करने को मना कर दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है सबसे नीचे वाले पॉइंट पर। यहाँ पर इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड इन द For going, we express our inability to attend the meeting scheduled 9th November 2020 to discuss issue common to all constituents. We, however, are prepared to attend any meeting convened by the IBA to discussion the unresolved issue exclusively with the representative of 5 of the four officers organization and resolve the issue to arrive a logical conclusion, the mutual satisfaction of both parties. तो ये था इसमें आपको बताने का दोनों लेटर में आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है। भाई सबसे पहले इसमें जब ऑफिसर यूनियन आपका जो रेडी था तब IBA ने हस्ताक्षर स्थगित कर दिया था, तब IBA तैयार नहीं था। अब IBA रेडी है लेकिन जो कुछ मांगे हैं जैसे ऑफिसर यूनियन की 5 दिन बैंकिंग पेंशन अपडेशन लेवी रूल, तो वो अभी मुद्दा सुलझा नहीं है। तो 3 साल से इन सभी का इंतज़ार कर रहे थे, अब देखना है कि अब कर्मचारियों को कितना और इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, जैसे ही कोई अपडेट होगी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।